सेक्टर 6 भिलाई स्थित मारथोरमा चर्च के प्रांगण में 69वां ईस्ट इंडिया मारथोरमा यूथ एंड फैमिली कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उपस्थित हुए सभी वक्ताओं ने ईश्वर से जुड़े रहने पर जोर दिया और जुड़ने के तरीके एवं इसके फायदे को भी मंच के माध्यम से बताया। किसी इंसान के अंदर एक प्यार भरा दिल होता है और इस प्यार भरे दिल की शुरुआत खुद के परिवार से मिली हुई प्रेम से उत्पन्न होता है। जिसे जिस तरह का प्रेम प्राप्त होता है वह आगे वैसा ही प्रेम आम जनमानस को बताता है। इसलिए कहते हैं कि एक इंसान के लिए उसका पहला स्कूल उसका घर होता है और उसके पहले शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। इन्हीं वक्तव्य पर प्रकाश डालने के लिए सेक्टर 6 भिलाई स्थित मारथोरमा चर्च परिसर में ईस्ट इंडिया मारथोरमा यूथ एंड फैमिली कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में ईस्ट इंडिया में रहने वाले सैकड़ों परिवारों ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने वाले गणमान्य अतिथियों ने इस विषय पर भरपूर प्रकाश डाला और ईश्वर से जुड़े रहने की बातें कहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंच के माध्यम से ईस्ट इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों से आए पादरी जिन्होंने प्रेम और ज्ञान बांटने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया है उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए कुछ नाटक की एवं नृत्य के मंचन भी किए गए जो सिर्फ ईश्वर से जुड़ने की राह दिखा रहे थे। तुम पर ऐसे ही दयालु हो, मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहोवा पति और अच्छा घर पाने में तुम दोनों की सहायता करें। किंतु हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हाँ, और आपके लोगों में जाना चाहते हैं। नहीं पुत्रियों, अपने घर लौट जाओ। तुम मेरे साथ किस लिए जाओगी? मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। मेरे पास अब कोई पुत्र नहीं जो तुम्हारा पति हो सके। मैं तो पहले से ही बहुत दुखी हूँ। यहोवा ने मेरे साथ बहुत कुछ कर दिया है। പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം വെറുതെ ആയി. എന്ത് പറ്റി അച്ഛാ, എത്ര ദേഷ്യം എന്താ? നീ അവനോട് ചോദിക്കും. അല്ല, മോൻ എന്തേ? അവനവന്റെ പെട്ടിയും പ്രമാണം എടുത്തോണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. നീ അവനോട് ചോദിക്കും. അല്ല, എന്ത് പറ്റി? നീ അവനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കും. അവൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സായെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. പിന്നെന്താണ് അച്ഛാൻ ഇത്രയും ദേഷ്യം? അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാണോ ജയിച്ചെന്ന്? നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നീ അവനോട് തന്നെ നേരിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കും. ഇതെന്താ അച്ഛായൻ ഒരു തുമ്പുമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത്? എന്ത് പറ്റി മോനെ, നീ ഒന്ന് പറ. ഇവനെയൊക്കെ ലോൺ എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ മിച്ചം. എന്ത് പറ്റിയടാ, നീ അപ്ലൈ ചെയ്ത ജോലി നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലേ? പോകിയമ്മ, സെലക്ഷൻ പോകിയ. നിനക്കറിയാമോ 20 ലക്ഷമാണ് അവന്റെ പാക്കേജ്. പിന്നെ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सशस्त्र सीमा बल के DIG थॉमस चाको भी उपस्थित हुए और उन्होंने कार्यक्रम की जमकर तारीफ की और ऐसे कार्यक्रमों की बारंबारता होने की बातें भी कही। क्योंकि आज का युवा अपनी संस्कृति छोड़कर अन्य संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहा है और नशे की चपेट में आता जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह अपने परिवार और अन्य लोगों के लिए भी व्यवहारहीन साबित हो रहा है। देखिए, फैमिली और यूथ जो है एक प्रासंगिक एक विषय है। जब हम एक दूसरे से परिवार बिखरते जा रहे हैं, यूथ दिशाहीन होती जा रही है, इसमें ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, सब इकट्ठे रहें, एक साथ जो पारिवारिक मूल्य है उसको संयोजते हुए हम आगे बढ़ें। इसलिए ऐसी
जो कॉन्फ्रेंसेस है इसका बड़ा महत्व हो जाता है कि हम अपने सांस्कृतिक और उस कार्यक्रम जो धरोहर है उसके साथ जुड़ते रहें और उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहें। तो मेरा ये पूरा यकीन है कि इस कॉन्फ्रेंस से ना केवल पारिवारिक मूल्यों में के दिशा में हम आगे बढ़ेंगे बल्कि जो हमारे युवा हैं उनको वो भी लाभान्वित होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर लेवल पे हर एक स्तर पर ऐसे कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत है, वरना हम एक दूसरे के नज़दीक नहीं हो पाते। जो एक परिवार एक सबसे बेसिक यूनिट है, वही अगर बिखर जाए तो समाज और देश का पर उस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये ऐसे कॉन्फ्रेंसेस सभी समाज में सभी धार्मिक और सभी सांस्कृतिक स्तर पर होते रहे ताकि समाज जो है आगे एक दृढ़ होकर आगे बढ़ते रहे। समाज कोई भी हो, जरूरी हो गया है कि माता पिता स्वयं अपनी संस्कृति को बचा कर रखे और ऐसा ही ज्ञान अपने बच्चों को और पूरे परिवार को दे, जिससे इंसान अपने परिवार की संस्कृति को समझ सके और उस पर चलकर अपनी संस्कृति को बचाने में अपना अहम योगदान दे सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।